नमस्कार, मी सुनील नाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोक संदेश न्यूज। सांगली शहरासह आसपासच्या वातावरणात अचानक बदल झाला आहे। तुरळक पावसाबरोबर सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन गारठा पडला आहे, त्यामुळे सांगली शहराला हुडहुडी भरली आहे। सांगली शहरात व परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात बदल झाल्यामुळे थंडीची चाहूल लागली आहे, त्यामुळे सकाळीपासूनच परिसरात गारवा निर्माण झाला आहे। वाढत्या थंडीमुळे चौकाचौकात शेकोट्या पेटलेल्या दिसून येत आहेत। दरवर्षीच्या तुलनेत थंडीची चाहूल उशिरा सुरू झाली आहे। यावर्षी कोरोनाचा प्रभाव असल्यामुळे लोकांनी शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी सकाळी व्यायाम करण्यासाठी बाहेर पडत आहेत, त्यामुळे सकाळी नागरिकांची पदपथावर गर्दी वाढत आहे। तसेच वातावरणात झालेल्या बदलामुळे सर्दी खोकला याचे रुग्ण वाढत आहेत। थंडीने नागरिकांच्या मनात कोरोनाची भीती निर्माण होत आहे। एकीकडे कोरोना आणि दुसरीकडे थंडीमुळे नागरिक गोंधळून गेले आहेत। तसेच दिवसभर उन्हाचा तडाखा असल्यामुळे चटके सहन करावे लागत आहेत। 2 दिवसांपासून वातावरणात गारवा आहे। नागरिक पुरेशी काळजी घेऊन बाहेर पडत आहेत। शनिवारी पहाटेपासून संध्याकाळपर्यंत हवेमध्ये प्रचंड गारवा निर्माण झाला होता, त्यामुळे नागरिकांना थंडी वाजून येत होती। मेरा नाम शंकर राठौड़ है। सांगली में ये अपना एसएफसी मेल मेगा मॉल का सामने हमारा स्वेटर का मार्केट है। 15 साल से लगा रहे हैं हम। यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं, सैनिटाइज और मास्क कंपलसरी लगा के दूराई रख के हम लोग बेच रहे हैं। ये साल कोरोना का वजह से हमारा बिजनेस बहुत स्लो में चल रहा है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी बढ़ने से थोड़ा थोड़ा ग्राहक हो रहा है। उसमें 20-30 रुपये मिक्सम आम लगा के बेच रहे, बड़ों का, बच्चों का, और न्यू मॉडल आया है और ग्राहक बढ़ रही है। ग्राहक आ रहे हैं, जेंट्स, लेडीज, बच्चों लोग सब आ रहे हैं, ले रहे हैं। कोरोना का वजह से लोग कम दाम में मांग रहे हैं, ग्राहक कम दाम में मांग रहे हैं। कोरोना का वजह से हम मिक्सिम 20-30 रुपये वही जो है भाव लगा के हम बेच रहे हैं। कोरोना का वजह से हम लोग भी थोड़ा तकलीफ में, बाहर से आए हुए ये बिजनेस करने के लिए। और किसको भी चाहिए तो आइए और कम दाम में आपको स्वेटर मिल जाएगा।